हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह 5:15 बज चुका है सुबह का, और दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ घूमने टहलने। और दोस्तों इस समय भी जो है ना हवा चल रहा है, पछिया हवा, और बहुत ही मस्त सुहाना सा लग रहा है। और अभी इस समय का वक्त देख सकते हैं किस तरह का व्यू है दोस्तों, और ये साइड में सूर्योदय होने वाला है, तो कितना प्यारा सा लाली है, मजा आ जाता है देख करके दोस्तों। और हवा इतना इस समय का सुबह का हवा इतना प्यारा सा पवन पुरवैया, बहुत ही लुभावना जैसा लग रहा है, और बहुत ही मजा आ रहा है घूमने में। तो दोपहर में तो बहुत ज़्यादा धूप रहता है, हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चलता है, तो उस समय का हवा जो है ना गर्म बहुत रहता है, तो दूसरे टाइप का रहता है, झरक वाई झरक जैसे। लेकिन अभी का जो है ना मैं अभी का हवा सुहाना हवा है, तो अभी मैं चल रहा हूँ घूमने, मज़ा आ रहा है घूमने में, और चलते हैं घूम के आते हैं। और दोस्तों आज है 26 अप्रैल 2024, तो आज का सरेह का खेत का व्यू कुछ इस प्रकार का है। सारा गेहूँ कट चुका है, देख सकते हैं, थोड़ा भी अब नहीं लगा हुआ है, सारा कर चुका है। और उसे देख रहे हैं भूसा उसा ढोने उने का है, बाकी जिसका दौनी हो गया है वो सब का, तो यही सब है। अभी मैं चलता हूँ दोस्तों, आगे से घूम के आता हूँ। कितना सवेरे चलाओ झाक के हम बिहान हो लेता हूँ वाला चला। तो ये भाभी लोग सब है, तो सब घूम के जा रही है, और अभी मैं चलता हूँ आगे से घूम के, चलते हैं घर पे मिलते हैं, ये लोग भी हमेशा आते हैं घूमने। तो दोस्तों अब चलते हैं, बिसरे में आ चुका हूँ अभी, और यहीं से अब घूम जाते हैं। और दोस्तों ये रास्ता जो है ना थोड़ा सा आगे तक है, जहाँ तक पोल गड़ा हुआ है ना, ये पोल देख रहे हैं, जहाँ तक पोल गड़ा हुआ है वहाँ तक ये रास्ता है। तो अब चल रहे हैं यहीं से घूम जाते हैं, चलते हैं घर पे। और आज दोस्तों देखते हैं कितना का माल बचा हुआ है, गिनती सारे को कर लेते हैं। दोस्तों अभी आ गया घर, और अभी चलते हैं, अभी सबको गिनती कर लेते हैं इसको, और इधर है इतना टोटल को जो है ना माल को गिनती कर लेते हैं। तो है 26 तारीख, लेकिन आज गिनती कर लेते हैं, देखते हैं आज के समय में कितना का माल हमारे पास बचा हुआ है, थोड़ा सा मालूम पड़ जाए, उसके बाद में फेरी करेंगे 4-5 दिन, 26, 27, 28, 29, 30, 4-5 दिन फेरी करेंगे, फिर 30 तारीख को गिनती करेंगे कितना का सेल होता है। पहले तो आज गिनती कर लेते हैं, देखते हैं कितना का माल बचा हुआ है। दोस्तों हमने सारा को गिनती कर लिया, देख सकते हैं हिसाब साफ सारा कर लिया। दोस्तों हमारे पास टोटल माल जो है ना अभी 18,500 प्लस का माल है, तो चलिए 18,500 का माल है, 4-5 दिन बेचते हैं, उसके बाद में देखते हैं कितना का सेल होता है टोटल 5 दिन में, और कितना इनकम होता है। अभी दोस्तों टाइम 7 बजने वाला है अभी दोस्तों, समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। अभी मैं छत पे हूँ दोस्तों, पानी भर रहा हूँ, जैसे पानी भर रहा है मोटर से, तो पानी भर जाता है, उसके बाद में स्नान कर लेते हैं, स्नान करके फिर मिलते हैं। स्नान कर लिया और पूरी तरह से मैं तैयार हो चुका हूँ, और चलते हैं दोस्तों अभी, और बाकी है पूरा तरह से तैयार नहीं हुआ हूँ, अभी चलते हैं पूजा वूजा करेंगे, और फिर खाना वाना खा के निकलेंगे फेरी के लिए। चलिए फिलहाल तैयार हो जाते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, ओम श्री हनुमते नमः। देवी सर्वतेषु विद्यारूपेण स्वस्तितः नमस्तस्यै नमः सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वनेत्रं के गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ श्री हनुमते नमः। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुः सच्च का, त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव।
दोस्तों अभी तैयार हो चुका हूँ, अभी पूरी तरह से अभी चलते हैं, अभी खाना खाते हैं उसके बाद में लोड करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। दोस्तों अभी खाना खा लिया और चलते हैं, सामान को लोड कर लेते हैं गाड़ी पे, गाड़ी निकाल लिया हूँ, चलिए सबको लोड कर लेते हैं। दोस्तों अभी लोड कर लिया सबको अच्छे से, टाइम अभी हो गया है 8:15, चलते हैं। तो अभी निकल चुका हूँ अपना गांव से भी, और अपने गांव में ही बिक्री तो नहीं हुआ है, लेकिन उधारी था लगभग 150 रुपया, तो 50 रुपया उधारी मिला है, तो उधारी से बोनी हो गया है। दोस्तों फिलहाल चलते हैं अगला गाँव घूम के, फिर मिलते हैं, देखते हैं आज का दिनचर्या कैसा रहता है। तो टाइम अभी 10:30 हो गया है, लगभग 3 गाँव घूम लिया, और सेल की बात करें तो दोस्तों 800 का सेल हो चुका है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों पेट्रोल को, पेट्रोल भराते हैं। दोस्तों 110 का पेट्रोल डला लिया हूँ और चलते हैं, रोज़ का 100-125 का पेट्रोल जल लेता है, तो अभी डला लिया 110 का। तो टाइम अभी 12:15 हो गया है, और अभी किस समय में जो है ना, इस समय थोड़ा सेल थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन धूप काफ़ी है, नींद जैसे आ रहा है। चलिए घूमते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो लगातार फेरी होते रहता है ना, तो मन लगता रहता है फेरी करने में, और बहुत ही हौला महसूस होता है, मतलब किसी तरह का जो है ना प्रेशर नहीं पता चलता है, लेकिन जब छूट जाता है काम, बहुत दिनों तक छूट जाता है, उसके बाद में फेरी पर जाते हैं तो बहुत ही जो है ना प्रेशर में लगता है, प्रेशर में काम कर रहे हैं, इस तरह से महसूस होता है। चलिए अभी जो है ना बहुत ज़्यादा धूप है, काफ़ी धूप है, इसकी वजह से जो है ना मुँह पूरा सूख गया है, प्यास भी लगा हुआ है। देखते हैं पानी की व्यवस्था, देखते हैं तो पानी पीते हैं और थोड़ा सा रुकते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद में फिर फेरी करेंगे। दोस्तों अभी टाइम 2 बज चुका है, और दोस्तों अभी थोड़ा सा पानी पीते हैं, यहाँ पे कल है देख सकते हैं, यहीं पे जो है ना स्थान है बिजहर बाबा का, और इधर हमारा गाड़ी लगा हुआ है, तो चलते हैं दोस्तों पानी पी करके यहाँ से निकलते हैं। बोतल लगते हैं पहले, बोतल भी रखे हुए हैं, बोतल से पीने में जो है ना अच्छा रहता है, ले लिए देख सकते हैं, बोतल से ही पियेंगे, पी लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा रुकते हैं 10 मिनट, उसके बाद में निकलेंगे फिर फेरी करेंगे। और सेल दोस्तों अभी तक अच्छा हुआ है। दोस्तों अभी 3:15 हो गया है, और अभी मैं बराही घूमा हूँ, और सूपी अगला गाँव सूपी है, तो सूपी घूम के फिर मिलते हैं। और दोस्तों आज जो है ना कल परसों जैसे हवा आज नहीं है, इससे पहले जो है ना कल परसों 4-5 दिन जो है ना बहुत ज़्यादा हवा था, आंधी जैसा, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा बह रहा है हवा, तो चलिए धूप तो काफ़ी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है तो पता नहीं चलता है। और सेल की बात करें तो सुबह सुबह अच्छा सेल हुआ है, लेकिन उस समय के बाद से 12-1 बजे के बाद से
किसी गांव में 100 रुपया, किसी गांव में 125, ऐसे का सेल हो रहा है। तो 9 होने से अच्छा तो ज़रूर है, अच्छा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, बैठे रहते तो ये भी नहीं होता। इसलिए मन मार के फिर ही करना चाहिए और बैठना नहीं चाहिए। आजकल कहते हैं ना आलसी पर नहीं आना चाहिए शरीर पे, चलते रहो। अभी 4:30 हो गया है और अभी दोस्तों बराही घूमने के बाद जो है ना बोखठा घूमा हूँ, उसके बाद सूपी, तो सूपी गाँव भी अभी घूम लिया। और दोस्तों अभी चलते हैं डायरेक्ट गम्हरिया और रामनगरा की तरफ। और सेल दोस्तों सूपी गाँव में मस्त हो गया है, टोटल सेल की बात करें तो लगभग 1300 का सेल हो चुका है, हो गया है खाली सूपी में और बोखठा मिलाकर, दोनों गाँव मिलाकर। तो अभी चलते हैं, अभी 4:30 टाइम हो रहा है, 4:45 पूरा गिनती लास्ट में करेंगे शाम को। तो चलते हैं दोस्तों, फिलहाल घूमते हैं, देखते हैं 1.5 घंटा में कितना का, 1 घंटा 1.5 घंटा में कितना का सेल होता है, मिलते हैं फिर शाम को। इस रास्ते से दोस्तों लगभग 2 महीने बाद जा रहा हूँ, 2 महीना बाद। देख सकते हैं इधर चिमनी है और इधर सूपी का पावर हाउस है। चलते हैं गम्हरिया और रामनगरा घूम के फिर मिलते हैं। टाइम दोस्तों अभी 6:30 हो गया है और दोस्तों 4:45 बजे से लगभग अभी 6:30 बजे तक 550-600 का सेल हुआ है। तो अभी चलते हैं दोस्तों सीधे घर की तरफ, और पेड़ अभी डूब चुका है देख सकते हैं, और अंधेरा अब हो ही रहा है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल चलते हैं घर पे, और टोटल सेल कितना का हुआ है गिनती करते हैं फिर बताएंगे। तो घर पे मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी आ गया घर और टाइम दोस्तों अभी हो गया लगभग 7:15 हो गया है आते आते। तो चलिए अभी उतार लिया सामान सब, चलते हैं टोटल पैसा गिनती करते हैं कितना का सेल हुआ है। तो चलिए सारे को गिनती कर लेते हैं, पहले तो सबको निकालते हैं। तो दोस्तों यही सब है, सबको सरियाते हैं, उसके बाद में सारे को गिनती करेंगे, सबको सरिया लेते हैं। दोस्तों सारे को सरिया लिया, अब सारे को गिनती करते हैं कितना बटा है। 1, 2, 3, 4, 5, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36, 37, 38, 40, 41। फाइनल दोस्तों सारा को गिनती कर लिया, देख सकते हैं हो गया टोटल हमारे पास जो है ना 4600 है, जिसमें मैं 300 रुपया लेकर गया हुआ था, तो उसको माइनस करेंगे तो है 4300 रुपया। तो चलिए आज का सेल ठीक हुआ है, धूप काफ़ी था दोस्तों, और बहुत दिन बाद आज फ्री पर गया हूँ ना, तो मन ढीला, कभी ढीला, कभी मन करता था काम करने का, कभी नहीं मन करता था काम करने का, फिर भी रुक रुक के काम किए हैं, 10 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे कर करके लगभग 1 घंटा आराम किया होगा आज पूरे दिन में। तो चलिए सेल आज मस्त हुआ है, प्रतिदिन डेली अगर जाते रहते हैं ना फेरी पर तो प्रैक्टिस बना रहता है, तो हैबिट रहता है, तो इतना नहीं रहता, लेकिन बहुत दिन बाद जाते हैं तो मन में हिचकिचाहट रहता है, थोड़ा जो है ना आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, इसके वजह से घूमने में थोड़ा डिस्टर्ब जैसा लगता है, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है। चाहते हैं कि जितना प्यार बीवी वाइफ और अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं, उतना उससे कई ज़्यादा जो है ना प्यार अपने काम से करना चाहिए, और कोशिश करता हूँ करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। कोशिश करने वाले का तो हार नहीं होता है कहा जाता है, लेकिन देखते हैं हम ज़्यादा कोशिश करेंगे जो है ना, पूरी दिल से पूरे 100% करने की कोशिश करेंगे काम को, आगे जो होगा से देखा जाएगा। क्योंकि 2-4-5 दिन में जो है ना मुझे पता चल गया है, जितना मोहब्बत प्यार वाइफ के लिए है, उतना प्रेम अगर काम के लिए अगर करेंगे तो कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, जितना भी मुश्किल है जितना भी टेंशन है सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और नई वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।